आज आपको बताऊंगा हरड़ के बारे में आपको मालूम है हरड़ हर, हर तक की एक बहुत गुणकारी हर्ब होता है और जो हम लोग बहुत सारे चीज़ों में खाते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो ज़रूर सुनिएगा दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है आप जानते हैं कि हम लोग हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं बिना बाईपास सर्जरी बिना एंजियोप्लास्टी और एज अ हॉबी मैं आपको हेल्थ के बारे में फूड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू तो टाइम देता रहता हूँ आज बात कर रहा हूँ एक बहुत कॉमन इंडियन हर्बल फूड है जिसका नाम है हरड़ हरड़े बोलते हैं हरी तक्की बोलते हैं हर तक्की बोलते हैं तो इस तरह के नाम है देखने में कैसा होता है मालूम है ये खजूर के तरह देखने में होता है जब ये पक्का हुआ होता नहीं है कच्चा होता है तो हरा होता है और जब पक जाता है तो पीला होने लग जाता है बहुत सावर सा टेस्ट होता है इसका अगर मेडिकल नाम लें तो इसका नाम है टर्मिनेला चिबुला टर्मिनेला चिबुला इसका मेडिकल नाम है इसकी जो पेड़ होती है 20-30 मीटर तक की पेड़ होती है और बहुत सारे लगते मुझे याद है मैं छोटे में एक जगह जाता था वहाँ हर तखी का पेड़ होता था हम लोग तोड़ तोड़ के लाते थे उसको सुखा के बहुत सारे काम में आती है और ये बहुत ही ज़्यादा गुनकारी हर्ब्स हैं आदमी बोलता है सर अगर गुनकारी है तो कितना ग्राम लेना चाहिए देखिए आधा ग्राम से डेढ़ ग्राम एक दिन में खा सकते हैं आधा ग्राम से डेढ़ ग्राम बहुत कम ही होता आप ये समझ लीजिए चार पांच पीस टुकड़े टुकड़े करके ले लेंगे तो बहुत है अच्छा हम लोग इसको चूस के भी खाते थे बहुत ये हेल्दी माना जाता था इसमें क्या क्या होती है क्या क्या फायदे होते हैं ये भी आपको बताऊंगा ये अच्छा हाँ तीन चार तरह के हरड़ होता है एक तो होता है छोटी हरड़ एक होता है पीली हरड़ एक होता है बड़ी हरड़ तो इस तरह के हरड़ के भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं पर सबके फायदे करीब करीब अच्छा ही माना जाता है आ, आपने नाम सुना है त्रिफला त्रिफला पाउडर हर से ज़्यादा घरों में पाया जाता है और त्रिफला में एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें हरड़ बेहड़ा अमलकी तीन चीज होता है तो उसमें हरड़ सबसे पहले आता है तो त्रिफला आपको मालूम है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है हरड़ क्या क्या मेन फायदा करता है एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ हरड़ का सबसे पहला काम आता है ये हेयर को हेल्दी रखने के लिए जो लोग बहुत हरड़ पहले से खाते हैं उनकी हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है हेयर शाइनिंग होता है हेयर फॉल कम होती है और इसमें सबसे बड़ा बात है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है डाइजेशन में जो हजमा सकती है वो तो उसको बढ़ाया जाता है गांवों में हरड़ खाना खाने के बाद दो तीन टुकड़े दे देते हैं कि आपको हजम करने में बहुत मदद करेगा और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हरड़ का काफ़ी रोल होता है तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए हरड़ का एक सबसे बड़ा और फ़ायदा होता है कब्ज कब्ज को निवारक निवारण करता है कब्ज होने नहीं देता है आ, वेट लॉस के लिए भी हम लोग हरड़ को यूज़ कराते हैं खांसी हो तो हरड़ लिया जा सकता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए हरड़ का फायदा करता है कुछ स्किन अर्थराइटिस में भी हरड़ का फायदा होता है और जो आपने सुना है भूल जाने वाली बीमारी होती है एल्जाइमा डिजीज उसमें भी हरड़ काफी काम होता है हरड़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ हरड़ लेने के तरीके सीजन टू सीजन वेरी करता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं आयुर्वेदा वाले वो बोलते हैं हरड़ को लेने का तरीका अलग अलग होना चाहिए जब आपकी आ, स्प्रिंग बसंत ऋतु हो तो आपको हरड़ को शहद के संग लेना चाहिए हनी के संग लेना चाहिए गर्मी में शहद को गुड़ के संग लेना चाहिए अगर बारिश का सीजन हो तो शहद को रॉक सॉल्ट के संग लेना चाहिए और अगर शरद ऋतु की बात है तो शुगर के संग लेना चाहिए और अगर विंटर के शुरुआत में लेंगे तो अदरक के संग लेंगे और विंटर के एंड में लेंगे तो लौंग और आ, दालचीनी के साथ लेंगे और आ, काली मिर्च के संग लेंगे तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मैं सोचा आपसे शेयर करूं और हरड़ के बारे में आप अगर नहीं जानते थे तो जान लीजिए हरड़ जरूर से आप किसी पंसारी की दुकान से मांगेंगे मिलेगा हरड़ को हर दिन एक दो ग्राम खाइए एंड इट विल बी वंडरफुल आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी हेयर की हेल्दी होगी आपकी डाइजेशन हेल्दी होगा आपको मैं बता दूं आयुर्वेदा का जितने भी दवाइयां हैं उसमें से मेरे से पच्चीस परसेंट में हरड़ का यूज़ होता है तो हरड़ आप ज़रूर इसके बारे में जानिए इसको खाइए एंड हमारे को फीडबैक दीजिए इसके बारे में कैसा लगा आपको और आपके दोस्तों पे ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों हम लोग हार्ट की ट्रीटमेंट करते हैं आपको मालूम है करीब सौ से ज़्यादा सेंटर हमारे इंडिया भर में हैं और वहाँ पे हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं उनको खाना क्या खाना है उनको एक्सरसाइज़ कैसे करना है उनको दवाइयाँ क्या लेनी है और उससे वो कैसे ठीक होंगे उसके बारे में सिखाते हैं थैंक यू सो मच मिलते हैं आपसे फिर से